सीताराम, आप सभी को, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आज हम ये जानने वाले हैं कि आपके पार्टनर की आपके लिए सोच क्या है। आपके सामने दो पाइल नज़र आ रही है, ये पाइल वन है एंड ये पाइल टू है। इसमें से जो भी कार्ड आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसको आपको चूज़ करना है। एंड हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, इनकी थिंकिंग आपके लिए क्या है। ये किसी भी टाइम के अकॉर्डिंग रीडिंग नहीं बनी हुई है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे, आपके साथ रेजोनेट करने वाली है। एंड इंट्रोडक्शन को अगर आप स्किप करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप स्किप कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप अपना पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल वन के साथ में। पाइल वन जिसने भी चूज़ किया हुआ है, आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। इससे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करें, आपको अपने पार्टनर का नाम ले लेना है एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को आपको देखना है। चलिए देख लेते हैं पाइल वन, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रखते हैं, आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या कॉमनली ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, देख लेते हैं। मैं कोई तीन कार्ड आप लोगों के लिए निकालूंगी। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की आपके लिए सोच क्या है। पाइल वन आपके लिए, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की सोच क्या है आपके लिए। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आपके लिए आए हुए हैं, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। कुछ मैं दूसरे भी कार्ड्स आपके लिए लूँगी जिसके थ्रू पता चले कि ये आपके लिए क्या सोच रखते हैं। ओशो कार्ड्स के थ्रू मैं कुछ आपके लिए पता करती हूँ, ओशो कार्ड्स के थ्रू कि आपके पार्टनर की आपके लिए सोच क्या है। स्ट्रेस, टोटलिटी, न्यू विजन, ठीक है, राइपनेस की एनर्जी है। चलिए चलिए मैं पहले इन्हीं कार्ड्स को आपको बता देती हूँ, उसके बाद में हम दूसरे भी कार्ड्स लेते हैं। फर्स्ट कार्ड की अगर बात की जाए, द मैजिशियन की एनर्जी है। ये कार्ड कहीं ना कहीं मैजिशियन का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको एक ओवरऑल पर्सनालिटी की अगर बात की जाए, एक बहुत ही बैलेंस पर्सन, आप एक मैजिशियन की तरह हो जो इनके लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को झट से दूर कर सकते हो। मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं अगर ये किसी भी तरीके की परेशानी में है, किसी भी तरीके के दुख में है, किसी भी तरीके के स्टकनेस में है, तो इनको सबसे पहले आप ही की याद आती है। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, और किसी भी दुख में, किसी भी सुख में इनको सबसे पहले आप ही की याद आती है। इस कार्ड के थ्रू यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है आपके पर्सन की तरफ से। एंड नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हो, ठीक है। और इस कार्ड के थ्रू यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है कि आप इनकी इनकी लाइफ की रानी हो, आप इनकी लाइफ की एक रानी हो, आप इनकी लाइफ की क्वीन हो, ऐसा ही आपको बोलना चाहते हैं। एंड आप एक बहुत सपोर्टिव पर्सन हो, आप एक बहुत अबंडेंट पर्सन हो, आपके होने से इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस होता है, आपके होने से इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहती है, इनकी आपके होने से इनको एक नई राह मिलती है, नया जज्बा इनको मिलता है आपके होने से। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है, और एक आपके होने से ही ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील करता है, ठीक है। और एनर्जी आपके लिए निकल के आई हुई है नाइन ऑफ कप्स की। कप्स की एनर्जी मतलब कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आप हो सकते हो, एंड आप अपने पार्टनर की विश फुलफिलमेंट हो, आप आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट हो। आपका होना ही इनके जीवन में एक बहुत ही लकी वाली एनर्जीज है। मतलब अगर आप इनकी लाइफ में आ गए तो ये अपने आप को बिल्कुल फुलफिल मानेंगे, भले इनके पास कुछ हो ना हो, इनकी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर परेशानी हो, लेकिन सिर्फ आपके होने से इनकी लाइफ में सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये फील करते हैं।
ऐसी आप एनर्जीज है, तो ये आपको अपने लाइफ में बिल्कुल चाहते हैं एंड आप इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो। आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी से काफ़ी इम्प्रेस्ड रहते हैं एंड आपको देखना, आपको सराहना, आपको अप्रिशिएट करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये करना चाहते हैं, ऐसी आप एनर्जीज। ठीक है, और क्या कार्ड्स हैं ओशो कार्ड्स के थ्रू मैं देख लेती हूँ। स्ट्रेस, देखो ये ऐसा मानते हैं जब भी किसी तरीके के स्ट्रेस में होते हैं, किसी तरीके की परेशानी में होते हैं और जब ये आपके पास आते हैं तो आप इनके स्ट्रेस को छू मंतर कर देते हो। ठीक है, ऐसा कुछ ही फील करते हैं कि आपके होने से इनका स्ट्रेस दूर हो जाता है, आपके होने से इनका स्ट्रेस कम हो जाता है। टोटैलिटी का कार्ड है यहाँ पर, मतलब आपके होने से, एक आपके होने से इनका डर खत्म हो जाता है। ये बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ये बहुत करेजियस फील करते हैं। तो जब आप इनके साथ में होते हो तो ये रिस्क टेकिंग काम भी करते होंगे। जब आप इनके साथ में होते होंगे तो इनको मालूम है कि भले ही जो भी सिचुएशन मेरी लाइफ में चल रही होगी लेकिन आप इनको कहीं ना कहीं से संभाल लोगे, डर नहीं रहता इनको, है ना, आपके ऊपर 100% ट्रस्ट करते हैं ये। आपके होने से इनको लगता है कि हाँ मैं अब संपूर्ण हूँ, मैं एक अब बिल्कुल परफेक्ट पर्सन हूँ, ऐसा इनको फील होता है आपके होने से। आप इनको एक नई रास्ता दिखाते हो, आप इनको एक नई राह दिखाते हो, आप इनके लिए एक बहुत ही मोटिवेशन का काम करते हो, आप इनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए आप कुछ ना कुछ ट्राई करते हो और ये पर्सन आपके होने से एक नई डायरेक्शन अपने लिए चूज़ करता है, कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता है, ऐसा कुछ आपके पर्सन आपके लिए सोचते हैं। मैं कुछ और कार्ड्स के थ्रू भी देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखो यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आप और ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो, ऐसा इनको लगता है, क्योंकि भले ही कुछ भी सिचुएशन आ जाए ये आपको बहुत हर्ट करते हैं किसी न किसी वे में, आपके साथ में इनकी थोड़ी नेगेटिव सिचुएशंस भी रहती है लेकिन फिर भी आपको भूल नहीं पाते हैं। तो ये आपके लिए सोच रहे हैं कि आपका और इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो। अनवर्दी की एनर्जी है, देखो ये मानते हैं इस चीज़ को कि आप इनके लायक नहीं हो, या ये आप अपने आप को मानते हैं कि ये आपके लायक नहीं है। इनको लगता है कि आपको एक बेटर पर्सन मिल सकता है, इनके इनके जैसा नहीं, इनसे बहुत अच्छा आपको एक बेटर पर्सन मिल सकता है, ऐसा ये आपको बोलना चाहते हैं, ये ऐसा ये कहना चाहते हैं आपको। और ये जो भी डिसएग्रीमेंट्स आप लोगों के बीच में होते हैं ये उन सब चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, जो भी आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं इन सब डिसएग्रीमेंट्स को ये समझना चाह रहे हैं, इसकी वजह समझना चाह रहे हैं एंड आपके साथ में रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे इनके तरफ से नज़र आ रही है। अब मैं कुछ चैनल मैसेजेस आपके लिए देख लेती हूँ आपके पार्टनर के तरफ से, कि आपके पार्टनर क्या बोलना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर वो बोलना चाह रहे हैं इट वॉज ऑलवेज यू, ये बोलना चाह रहे हैं कि आप हमेशा इनके साथ रहते हो, एक आप ही ऐसे पर्सन हो जो हमेशा इनके साथ खड़े रहते हो हर किसी परिस्थिति में। ये कहना चाहते हैं आई कैरी योर हार्ट इनसाइड माई हार्ट, यू आर माई सोलमेट, आई विल ऑलवेज बिलोंग टू यू, आप इनके सोलमेट हो जैसे कि कार्ड आया था, और ये आपके साथ में हमेशा रहना चाहते हैं, ये आपको कहना चाहते हैं लव यू फॉर एवर। ठीक है, तो पाइल वन ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी, आई होप आपको समझ आया है आपके पार्टनर ने आपको क्या बताना चाहा है, ये आपके लिए क्या सोच रखते हैं। एंड अगर ऐसे ही वीडियोस आपको और देखने हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू। पाइल टू आपके लिए देख लेते हैं, आपके पार्टनर की सोच क्या है आपके लिए एंड ये आपके लिए क्या सोच रखते हैं, क्या सोचते हैं आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा आप लोग। चलिए देख लेते हैं पाइल टू, आपके पार्टनर भी आपके लिए क्या सोच रखते हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल टू, ठीक है, लास्ट कार्ड देख लेते हैं। हायरोफेंट की एनर्जी है, कुछ ओशो कार्ड्स के थ्रू भी हम देख लेंगे कि आपके पार्टनर की सोच आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं।
प्रोजेक्शंस की एनर्जी है, मोमेंट टू मोमेंट एंड साइलेंस, ठीक है। लास्ट कार्ड पोस्टपोनमेंट्स, ठीक है। पहले मैं इन कार्ड्स को रीड कर लूँगी गाइस, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए दूसरे कार्ड्स निकालूंगी। देखिए एनर्जीज की अगर बात की जाए, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड नंबर आया हुआ है 8। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है पाइल टू सोर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आप हो सकते हो। पाइल टू आपके लिए यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं एंड आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा कुछ सोचते हैं कि आप अपनी मन की बातें इनसे शेयर नहीं करते हो। आप बहुत ही ज़्यादा बंधा बंधा महसूस करते हो या खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि ये कंट्रोलिंग एनर्जी से आप बाहर निकलिए और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में होती है उन सब चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ ट्राई करिए, आप भी और आपके पार्टनर भी ट्राई करेंगे। लेकिन ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज आप दोनों के बीच में रहती है, इन सब एनर्जीज़ को ये ख़त्म करना चाहते हैं एंड ये चाहते हैं कि आप थोड़ा ओपन अप हो जाए। और इस कार्ड के थ्रू, एट की एनर्जीज के थ्रू मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आपके तरफ से एफ़र्ट्स कम लगते हैं, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए आपके तरफ से एफ़र्ट्स कम लगते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा भी कुछ आपके लिए फील होता है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस, कप्स की एनर्जी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस आप हो सकते हो एंड इस कार्ड के थ्रू आपके पार्टनर कुछ आपके लिए ऐसा सोचते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप खुश नहीं हो इनके साथ में। मतलब इनको ऐसा लगता है कि जब आप इनके साथ में होते हो तो यहाँ पे आपका 100% नज़र नहीं आता है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे हमेशा नाखुश रहते हो, आप हमेशा इनसे नाखुश रहते हो और एक्सप्रेसिव नहीं हो आप, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी हो, ऐसा भी आपके पार्टनर आपके लिए सोचते हैं और दुखी होते हैं। ये चाहते हैं कि आप बहुत ओपन अप रहिए, अपने मन की बातें शेयर करिए एंड आप अपना 100% दीजिए अपने इस रिलेशनशिप को। ये भी कहीं ना कहीं आपके साथ में 100% देना चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए, ऐसा ये बोलना चाहते हैं। सन की एनर्जी है, मतलब ये एज अ ह्यूमन बींग आपको एक बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटी मानते हैं। अगर आप अपनी एनर्जीज में आओ तो आपकी एनर्जीज को कोई पकड़ नहीं सकता है। इतने पॉजिटिव, इतने ज़्यादा एनर्जेटिक, इतने ज़्यादा एंटरटेनिंग आप होते हो हर किसी वे में। लेकिन जब आप उदास होते हो या जब आप अपनी एनर्जीज में नहीं रहते हो तब आपको ये बहुत लो देखते हैं एंड उस टाइम पे इनको बहुत बुरा फील होता है आपको देखकर। ये चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जीज में रहो, बहुत पॉजिटिव फील करो एंड इनको भी अपने अकॉर्डिंग पॉजिटिव फील करवाइए, ठीक है। अब कार्ड आया हुआ है प्रोजेक्शंस। देखिए यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है कि ये इनको ऐसा लगता है कि आप इनको नहीं समझ पाए हो, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इनको नहीं समझ पाए हो। जो रियल में ये पर्सनैलिटी है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनको नहीं समझ पाए हो एंड ये चाहते हैं कि आप इनको समझो, जो ये रियल पर्सनैलिटी है आप इनको समझो, ऐसा ये चाहते हैं आपके पार्टनर। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है, मतलब ये आपके साथ में जीवन के हर किसी पल को जीना चाहते हैं। आपके साथ में जीवन का हर एक क्षण बहुत अच्छे तरीके से और खुशी खुशी जीना चाहते हैं। एक एक पल आपके साथ में बहुत बेहतरीन तरीके से ये जीना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको ऐसा बोलना चाहते हैं। और ये जो भी साइलेंस आपने इनके लिए बना रखी है या आप कहीं ना कहीं बहुत साइलेंटली इनके साथ में बिहेव करते हो, बहुत साइलेंट आप रहते हो, ये चीज़ें आपके पार्टनर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ये आपके साथ में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, ये आपके साथ में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ में बातें करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो बिहेवियर है बिल्कुल शांत इंट्रोवर्ट टाइप का, ये चीज़ें इनसे बिल्कुल भी सही नहीं जा रही है, ऐसा आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज है। चलिए मैं कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। एब्सेंस की एनर्जी है आपके लिए, मिस्टेक एंड कंफ्यूजन, ठीक है। लास्ट कार्ड की एनर्जी है अंडरस्टैंडिंग। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर कार्ड आपके लिए निकल के आया हुआ है एब्सेंस, ठीक है। एब्सेंस मतलब ये आपके जो पर्सन है, आपकी एब्सेंस इनको बहुत ज़्यादा खलती है। इनको ऐसा लगता है कि आपका ना होना इनके लिए अपने जीवन का एक हिस्सा कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में नहीं है, ऐसा कुछ फील होता है। आप इनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो एंड आप बहुत इम्पोर्टेंस रखती हो इनकी लाइफ में, ठीक है।
एंड अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो ये आपको बहुत मिस करते हैं, आपके बिना ये काफ़ी अकेलापन फील करते हैं, ऐसी यहाँ पे एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। ये मानते हैं आपके जो पार्टनर, ये मानते हैं कि ये बहुत गलती करते हैं, इनकी तरफ से इन्होंने बहुत गलती की हुई है, लेकिन ये मानते हैं कि ये जो भी गलतियाँ हुई है कहीं ना कहीं किसी कन्फ्यूज़न के चलते हुई है, कुछ बातें आपके साथ में क्लियर नहीं थी इस वजह से हुई है, और ये चाहते हैं कि जो भी कन्फ्यूजन्स है इसको दूर की जाए, अपनी गलतियों को, मिस्टेक्स को सुधारना चाहते हैं, एंड आपकी कमी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर ये आपको ऐसा बोलना चाहते हैं। चलिए मैं देख लेती हूँ कुछ आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस क्या हैं, ये भी मैं देख लेती हूँ। आपके पर्सन की तरफ से मैसेज है, माई डॉक्टर सेज आई एम लैकिंग विटामिन यू, मतलब आपके बिना बिल्कुल भी ये खुश नहीं रह पाएंगे या आपकी कमी इनको बहुत खलेगी, ये आपको देखना चाहते हैं। आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग योर स्माइल, आपकी स्माइल देखना इनके लिए एक बिगेस्ट रिवॉर्ड है, ये आपको देखना चाहते हैं अपने हमेशा हंसते हुए, ये आपको कहना चाह रहे हैं। आई विल बी देयर फॉर यू, ये आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पाइल टू ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपके पार्टनर की थिंकिंग आपको पता चली है, एंड अगर ऐसे ही वीडियोस आप और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करना ना भूले गाइज, थैंक यू सो मच।